हम एक गन्ने से उसका मंडप बनाते हैं। गन्ना क्यों है? नौ सवाल होता है कि गन्ना क्यों है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू की जप्ती। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आज हम आए साइलेंट अंकल के घर पे और आज हम देखने वाले टिपिकल मंगलुरियन फैमिली गणेश चतुर्थी किस तरह से मनाया जाता है। तो अंकल ने बहुत अच्छा तैयारी किया होगा। हम देखते हैं कि ये नॉर्मल तरीका आपको नहीं दिखेगा। आप देखोगे मुंबई में तो काफ़ी घरों पे गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, गणपति का मूर्ति आइडल ला के, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि टिपिकल मंगलुरियन फैमिली किस तरह से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। चलो ये हम हर साल ये गणपति का यहाँ पे स्वरूप स्थापित करते हैं, बट हम गांव के एक सिस्टम को अभी तक लेकर आया पिछले 30 साल से। ये बचपन में ऐसे मस्ती मजाक में तो हम लोग ने रखे, तो हमने वहाँ पे तभी का सोचा था कि अगर भगवान ने पूरा सही सलामत दिया तो ज़िंदगी भर रखेंगे। अभी तक को बरकरार रखा है, तो अभी आगे का उसके मालिक है। हम एक गन्ने से उसका मंडप बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कि गन्ना क्यों है, नौ सवाल होता है कि गन्ना क्यों है। गन्ना इसलिए कि गणपति है, हाथी का स्वरूप है। हाथी के लिए गन्ना बहुत 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 पसंद की चीज़ है। आगे चलते वो आगे अल्ट्रेशन होते के बोलते कि मोदक पसंद है, जरूरी है। नेचुरली अगर गणपति की बात करूँगे तो हाथी का स्वरूप लेके बात करूँगे, गन्ना बहुत उसको पसंद है, इसलिए हम गणपति का मंडप यहाँ पे बनाते हैं। अभी बनाते हैं तो ये नॉर्मली बॉम्बे में बहुत सारे कम लोग बनाते हैं, फिर भी कुछ लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि चलो भगवान का गणपति यानी पूजा करेंगे, बाजू में एक दो टुकड़ा रख ले के उसका जो इच्छा है पूरा कर देता है, अलग बात है। बट हम पिछले 25 साल से ये सिस्टम को किया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से वर्णन करता हूँ। सबसे पहले तो जो रॉक शुगर केन हमको मार्केट से मिलता है उसको छीला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको साफ किया जाता है। फिर उसके बाद उसको दो साइज में काटा जाता है, एक तो बड़ा वाला साइज जो करीबन 1-1.5 फुट के आसपास होगा उसको कट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में, और एक छोटा साइज काटा जाता है जो तकरीबन 1/2 फुट या उससे भी शायद कम ही होगा। फिर उसके बाद उसको बीच में से काटा जाता है और ये सारे गन्ने के पीसेस पे किया जाता है, बड़ा और छोटा दोनों को भी बीच में से भी स्लिट किया जाता है। तो अब हम चलते हैं फिर से वीडियो पे। ओके चलो आइए। ये गणपति का मूर्ति को यहाँ पे मैं स्थापित किया हूँ और उसके साथ में ये है इसके वील्या जो यानी पान होते हैं, पान के साथ में ये यहाँ पे पान के साथ में सुपारी, सुपारी के साथ में एक कॉइन, हमारा साउथ इंडियन का ये ट्रेडिशन है। अभी उसके बाद हम उसको ये जो मंडप बनाते हैं उनको पूरी तरफ से एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो, इसलिए हम झाड़े वाले जो है गन्ना है उनको नीचे करते कि इसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहे। इनके बाद इसी तरह हम लोग इसको सजाते जाते हैं। सजाते जाएंगे आप, वो नारियल दीजिए ना, ये नारियल के द्वारा हम गणपति का एक हमारा विचार है
कभी भी गणपति के लिए हम नारियल का साथ तो गणपति के लिए ये नाम ये करते हुए हम ये सोचते हैं कि भगवान श्री गणेश आपके पूरे चैतन्य इस नारियल का द्वारा बस जाए, हमारा करते दिए हुए सेवा को पूरी तरफ से आप ये करें, हमको अनुभूति अनुग्रह पूरी तरफ से बरसावे, यही प्रार्थना के साथ हम नारियल को प्रस्थापित करते हैं। तो ये अंकल आप कितने साल से ये कर रहे हो? पिछले 25 साल से हम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसे थे बैचलर लाइफ पे, तो हमने सोचे थे चलो मस्ती मजाक में तो शुरू किया और संकल्प लिया था तो कि हम अगर सही सलामत हो भगवान का कृपा से तो हम आगे रखते जाएगा, अभी तक तो चलाते रहता है और भगवान का कृपा से कोई हमें ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। तो पिछले 25-30 साल से आप हर गणेश चतुर्थी में ऐसा करते हो? हाँ जी, मुझे अच्छा लग रहा है और सही में बोलो तो मेरे को पूरी गांव का ट्रेडिशन को मैं याद कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको चलाते आया हूँ। तो आप ये बोल रहे हो कि जो मंगलूर है? हाँ जी। तो मंगलूर में सब लोग इसी तरह से ये करते हैं? जी, ये हर घर पे ऐसा करते हैं, हर घर पे ऐसा करते हैं, हर घर पे करते हैं। अच्छा जी। और ये शुगर केन ही क्यों, मतलब कुछ और फ्रूट क्यों नहीं लिया है? शुगर केन इसलिए कि गणपति को हम हाथी का स्वरूप मानते हैं, रूप धारण करती है गणपति पापा का रूप है, स्वरूप है वो हाथी है। हाथी के लिए हाथी का उसका मेन जो लाइकिंग फूड ऐसा हो देखेंगे तो ये अपना गन्ना है, इसलिए हम लोग गन्ने का द्वारा इसको पूजा करते हैं। गन्ने को इसलिए रखते हैं कि गणपति का पसंद का चीज़ है ये गन्ना, इसलिए हम गणपति का गणपति रखते हैं, हम गन्ने को सबसे पहले हम प्राधान्यता देते हैं। ओके, तो गांव में भी गन्ने से ही हम लोग ये बनाते हैं? जी। तो ये हेरिडेटरी है, मतलब आपके मम्मी डैडी भी ये करते थे? हाँ, हमारा जनरेशन जैसे कि मैं बचपन से देख रहा हूँ तो ये यही चीज़ों से यही ट्रेडिशन रखते आया हुआ है, इसलिए ये आज तक चलते आया, हर घर पे गांव में ये तो चलते आया हुआ। अच्छा जी। अभी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैंगलोरिन वाले शुगर केन से गणपति बनाते, तो एक्चुअली हम गणपति नहीं बनाते? नहीं, ये गणपति का जैसे कि आजकल क्या है कि थोड़ा मॉडर्न टाइम में बहुत सारे अलग अपग्रेडेड हम सिस्टम लगाते हैं मंडप द्वारा, प्लाईवुड का द्वारा या समझो कि थर्माकोल से बनाते हैं, बट ये मंडप है, हम ओरिजिनली देखा जाएगा तो गणपति को अंदर हमने स्थापित किया है, साथ साथ नारियल के द्वारा उसका चैतन्य को बुला के हम लोग ने गणपति का नाम लेके उसे प्राधान्य उसका ये लेके नाम स्मरण करते हुए उसको स्थापित किया हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आजकल जैसे कि गणपति का मूर्ति लेके आते हैं लोग और उसके बाद बाहर से जो भी है थर्माकोल से कपड़े से ऐसे अलग अलग तरीके से डेकोरेशन बनाते हैं, तो दिस इज दी नेचुरल वन जिससे हम लोग मंडप बनाते हैं? जी, डेकोरेशन हम करते हैं शुगर केन से करते हैं, इतनी है। बाकी गांव का अगर सिस्टम बोलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम से करते, बट गन्ने का बगैर कोई गणपति स्थापित नहीं करते, ये बहुत जरूरी है जहां तक कि बिलीफ है। Okay. गन्ना यानी गणपति यानी नेक्स्ट डे हमारा यादों में आता है कि गन्ना, गन्ने का बगैर बहुत नहीं करते के बराबर है। तो अच्छा, मतलब आप कोई भी जगह पे अगर गाँव में जाओगे तो ये मिलेगा, नहीं बनाते ये हमारे लिए एक प्रसाद हो जाता है ना, हम सब हम खुद भी खाते हैं और आजू बाजू में सबको बांट लेते हैं प्रसाद, आप फिर इसको बांट देते हो। या तो ये अभी कितना आप स्थापन करते हो, तो नॉर्मली गणपति 5 दिन का 7 दिन का 10 दिन का, तो ये कितने दिन के? नहीं, ये एक ही दिन का प्रोसेस करते हैं, आज पूजा होगा, पूजा होने के बाद रात भर के ऐसे रहेगा, तो रात का बाद जो भी बत्ती भी बुल जाते हैं तो हम लोग उसको विसर्जन करेगा, यानी गणपति बप्पा से प्रार्थना करेगा, आप जहाँ से भी आए हैं किस लोक से भी आए हैं उस लोक में आप वापस चला जाइए और आपका चैतन्य हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए रह जाए,
या प्रार्थना करके उसको विसर्जन करते। अच्छा, मतलब ये एक ही दिन का होता है, मतलब आज रात को 12 बजे के बाद आप लोग इसका विसर्जन कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद और ये जो जितने भी शुगर केन है, गन्ना है, ये आप एज अ प्रसाद आप सबको बांटेंगे या बांटेंगे। हाँ, मतलब इससे एनवायरमेंट भी खराब नहीं होगा, ये जो भी 100% बायोडिग्रेडेबल है, मतलब सब इसका जो भी शुगर केन वगैरह वो सब तो हम लोग एज अ प्रसाद खा जाएंगे, और जो भी आपका जो गणपति है वो एज इट इज फिर वापस मंडप पे आप रखोगे। जी 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 जी। ओके, तो आपने ये शुरुआत किया था, कुछ संकल्प लेके शुरुआत किया था आपका, मतलब या मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि हम शुरुआत में इंडिविजुअल थे, मतलब ये थे बैचलर थे। हाँ। मस्ती मजाक में हम लोग चलो गणपति रख लेते तो शुरुआत किया, और साथ साथ में एक संकल्प भी था, अगर अच्छा होगा तो हर साल रखेगा, पता नहीं कि आज रख लिया तो अगले साल रखेगा नहीं रखेगा, भगवान का कृपा से कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ है, तो आज तक चलाते आया हुआ है, और हमारा फैमिली भी इसके लिए बहुत कोऑपरेट करता है, अच्छा लग रहा है उन लोग को भी, तो उन लोग का सहयोग भी मिलता है, तो ये हम लोग एक करते आया, कृपा से तो भगवान का कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, उन लोग को भी अच्छा लगता है। तो ये अभी आप मतलब आपके नेक्स्ट जनरेशन जो भी उनको पास ऑन, मतलब ये जो बनाने का जो आर्ट है या फिर ये आपने पास ऑन किया आपके बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन का मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ आगे काफी यानी अपना अपना सोच विचार है, बट इतना है कि जब हम तक के सही सलामत भगवान रखेगा तब तक तो हम ये जरूर ये संकल्प को आगे बढ़ाते जाएगा। सही है, सही। तो अभी इसके बाद क्या करोगे आप, पूजा वगैरह करोगे इसका? या इनको प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा होगा, भजन होगा, आरती होगा, बहुत सारे जो। तो इनके लिए स्पेशल प्रसाद ऐसा क्या बनाते हो आप? इनके लिए जो प्रसाद रखा है कि पौवा रखा है और गुड़ रखा हुआ है उनको, इनके लिए, और या यहाँ पे हम भगवान का मूर्ति के सामने उसको चढ़ा दिया है, और उसके अलावा भी डोसा इस हमारा ट्रेडिशन है गांव का, चौथी चौथी हम बोलते हैं इसको, अगर इधर गणेश चतुर्थी बोलते हैं तो उधर हम लोग चौथी बोलते हैं, तो हम उसको डोसा चढ़ाते हैं, और खाना पीना सब एक अलग ट्रेडिशनल फूड होगा, आपको अभी आगे जरूर आप खाना खा कर जाइए, आप ऐसे मत जाइए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको क्या लगता है ये हर घर पे ऐसा करना चाहिए, हर मंगलवार, मतलब अभी काफी सारे जैसे कि मतलब हम लोग भी है तो हम लोग भी बहुत कम ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे ऐसा एकदम 100% नेचुरल और शुगर केन से जो ये बनाते हैं हमको भी काफी कम देखने मिलता है, क्योंकि मुंबई में ये काफी कम लोग करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे कैसा होता है जैसे कि हमने बताया थर्माकोल हो गया या फिर वो सब आइटम से हम लोग गणपति ला के हम लोग उसका स्थापना वगैरह करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक इंस्पिरेशन बोल सकते हो, अभी जैसे ही समझो हमारा वीडियो लोगों के पास जाएगा तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग ट्रेडिशन है और ये सही में अच्छा लग रहा है देखने के लिए भी, मतलब अभी जो दिख रहा है ये, मतलब नॉर्मली तो हम लोग सब जगह पे देखते ही है वो थर्माकोल से बना हुआ या फिर कोई और अपने अपने हिसाब से आजकल बनाते हैं, लेकिन दिस इज यूनिक बोल सकते हैं या फिर एकदम अच्छा भी लग रहा है, वो भी 100% सारा नेचुरल है, आपको देखते अच्छा लगता है, हमको बनाते हो तो और कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी इधर बॉम्बे में ऐसे देखेंगे तो कभी कभी गन्ने का भी दिक्कत होती है, अभी इस साल तो अच्छा गन्ना मिला तो अच्छा हुआ, नहीं तो कभी कभी नहीं भी मिलता तो वह एटलीस्ट 3 से 4 झाड़ लेकर आके हम लोग करते ही है, बट अच्छा लगता है, कभी इंसान का अगर नियत अच्छा है करना ही है तो कहीं से भी भगवान उसका प्रबंध कर लेते हैं। जी, तो आपको ये पूरा बनाने के लिए कितना शुगर केन लगता है? से अबाउट मैं बोल सकता हूँ कि अगर सिस्टम में डबल डबल पे करवाओगे तो 8 से 10 का भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने 5 कांडी ये जो है गन्ना 5 शुगर केन मैंने लिया हूँ इसमें, तो 5 में इतना तो बन जाता है, मुश्किल नहीं, इसको अभी फूल से सजाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो
मतलब ये सही में आर्ट है, मतलब इतना अभी तक हिला या फिर नहीं शेक नहीं हुआ है या। अच्छा प्रैक्टिस है आपका। हाँ वो तो भगवान को साथ लेकर चलो तो अपना आप चलाते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी सबसे तो चल रहा है। अभी एक साल में एक बार करेंगे तो शायद भूल भी सकते हैं, गलत हो सकता है, बट तो विश्वास है वो जो भी है हार अच्छा या बुरा उनको छोड़ देता हूँ, जो भी है चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट अभी अपन पूजा करेंगे या श्योर। मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगाद्ययोगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशरीयनुसरीचिदावरावतारे तो आपने जैसे कि देखा टिपिकल मैंगलोरियन फैमिली किस तरह से गणेश चतुर्थी मनाती है। तो अब ये पूजा हो गया और भगवान को नैवेद्य भी दिखा दिया है, अब हम भी भोजन करेंगे। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आने वाले समय में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मैं लाने का ट्राई करूंगा जिसमें हम इंडियन कल्चर या फिर हर रिलीजन के अंदर छोटे छोटे कल्चर्स कस्टम्स ट्रेडिशंस होता है ये सब आजकल के जनरेशन को दिखा सकते हैं कि हम लोग के इस तरह से ये प्रथा है जो आगे भी जनरेशन को पास ऑन होना चाहिए। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, और अगर आप कमेंट करोगे और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि सचिन इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो क्या, इसके ऊपर वीडियो बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कस्टम्स ऐसे ट्रेडिशन है जो आपके इसमें फॉलो होता है और आपको लगता है कि वो दुनिया को पता चले तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास आए और वो वीडियो भी कैप्चर करके हम दुनिया को बताएं। तो इसी के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी का ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।